बसमिलकुम कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजील् तैन ने हज़रत माविया की मजलिस में आने की इजाज़त चाही और हज़रत माविया रज़ील त के पास कुरैश के मुख्तलिफ़ ख़ानदान बैठे हुए थे और हज़रत सईद बिन अलास रज़ील् तैन हज़रत माविया रज़ील त के दाएँ जानेब बैठे हुए थे जब हज़रत हज़रतिया रज़ी अल्लाह तैन ने हज़रत इब्न अब्बास रजी अल्लाह तैाल को आते हुए देखा तो फ़रमाया अ सैद मैं इबन अब्बास से ऐसे सवाल करूँगा जिनका वो जवाब नहीं दे सकेंगे हज़रत सईद रजी अल्लाह अल्ला ने इनसे फ़रमाया कि इबन अब्बास रजी अल्लाह तै जैसे आदमी के लिए तुम्हारे सवालत के जवाब देना कोई मुश्किल काम नहीं है जब हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तह आकर बैठ गए इनसे हज़रत माविया रज़ी अल्लाह तह ने फरमाया कि आप हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह के बारे में क्या फरमाते हैं? हैंबन अब्बास रज़ी अल्लाह तह ने फरमाया कि अल्लाह ताला अबू बकर पर रहम फरमाए वो अल्लाह की कसम कुरान पाक की तलावत फरमाने वाला है बेहयाई से गफलत बरतने वाले और भलाई करने वाले और अपने दीन को खूब अच्छी तरह जानने वाले और अल्लाह से डरने वाले और रात को इबादत करने वाले और दिन को रोज़ा रखने वाले और दुनिया से महफूज और मखलूक के साथ अदलो इंसाफ का आज़म रखने वाले और नेकी का हुक्म करने और ख़ुद नेकी पर चलने वाले और तमाम हालात में अल्लाह ताला का शिक्त अदा करने वाले और सुबह और शाम अल्लाह का जिक्र करने वाले और अपनी ज़रूरतों के लिए अपने नफ्स को दबा लेने वाले थे और वह परेजगारी और कनात में जहत और पाग में नेकी और एहतियात में दुनिया के तहसील और हुसन से रोका अच्छा बदला देने में अपने तमाम साथियों से आगे थे जो इन पर ऐब लगाए उन पर क्या तक अल्लाह ताला की तरफ से लानत हो हज़रत माविया रज़ी ने फरमाया कि आप हज़रत उमर बिन खताब रज़ी अल्लाह तैनों के बारे में क्या कहते हैं तो हज़रत इबन अब्बास रज़ी अल्लाह तैन ने फरमाया अल्लाह अबू हिफ्स ये हज़रतमर अमाम की कुत है रहम करे अल्लाह की कसम वो इस्लाम के मददगार साथी और यमों का ठिकाना ईमान का ख़जाना और कमज़ोरों की जाएपना और पक्के मुसलमानों की जाय करार और अल्लाह ताला की मखलूक के लिए किला और तमाम लोगों के लिए मददगार थे वो वब्र और उम्मीद सवाब के साथ अल्लाह के दिन को हक़ को लेकर खड़े हुए आख़रत के सवाब और अल्लाह की रज़ामंदी की उम्मीद में हर तकलीफ़ पर सब्र किया यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने दिन इस्लाम को गाली फरमा दिया और कई मुल्कों पर अल्लाह ने मुसलमानों को फतह दी और तमाम इलाकों में चश्मों और टेलों पर तमाम अतराफों खिलाफ आलम अल्लाह ताला का जिक्र होने लगा वो बदगोई के वक्त तो बड़े वक़ार वाले और फराखी और तंगी हर हाल में अल्लाह का शुक्र करने वाले हर घड़ी अल्लाह का जिक्र करने वाले थे जो इन से बाज बख्ज़ रखे योम हसरत तक यानी क्यामत तक इस पर अल्लाह की लानत हो हज़रत माविया रज़ी अल्लाह तरमा ने फरमाया कि आप हजरत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह के बारे में क्या फरमाते हैं हज़रत इब्न अब्स रजी अल्लाह तरमाया कि अल्लाह तला अबू उमरू यह हज़रतमान की कुत है पर रहमत नाजिल फ़रमाए वो बड़े शर्क ससुराल वाले और नेक लोगों से बहुत जोड़ने वाले और मुजाहिद में सबसे ज़्यादा रहम कर मुकाबला करने वाले और बड़े शबार और अल्लाह के जिक्र करने वाले और बहुत ज़्यादा रोने वाले दिन रात अपने मकसद के लिए फिक्रमंद रहने वाले हर भले काम के लिए तैयार और हर निजात देने वाली नेकी के लिए भाग दौड़ करने वाले और हर हलाक करने वाली बुराई से दूर भागने वाले थे इन्होंने गजबा तबूक के मौके पर इस्लामी लश्कर को बहुत सारा सामान दिया था और यहूदियों से ख़रीद कर बेरूमा कुआँ मुसलमानों के वक्फ कर दिया था आप हज़रत मोहम्मद वसल्लम के दामाद थे इनकी दो साहबजादियाँ आपके निकाह में थी जो इनकी बुरा भला कहे अल्लाह ताला इस ताकयामत पेशमानी में मुब्तला रखे फिर हज़रत माविया रज़ी अल्लाह फरमाया, आप हजरत अली बिन अबी तालिब के बारे में क्या फरमाते हैं तो हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तह ने फरमाया कि अल्लाह ताली अबुल हसन ये अली की कुत है पर रहमत नाजिल फरमाए अल्लाह की कसम वो हदायत का झंडा तकवा का गार, अकल का घर रौनक का टेला था रात के अंधेरे में चलने वालों के लिए रोशनी थी और अजीम सीधे रास्तों की दावत देने वाले और अजो नसीहत करने वाले पहले आसमानी सहाफ़ियों और किताबों को जानने वाले कुरान की तफसीर बयान करने वाले वादो नसीहत करने वाले हदायत के अबाब में हमेशा लगे रहने वाले जुल्मत रसाई के छोड़ने वाले और हलाकत के रास्तों से हट कर चलने वाले थे तमाम मोमनों में से बेहतरीन और चादर पहनाने वाले इंसानों के सरदार हज वसी करने वाले में सबसे ज़्यादा अफजल मसावात करने वालों में सबसे बड़े जवान मर्द थे जवान और अम्बिया और मुतफ़ा साम के अलावा तमाम दुनिया के इंसानों से ज़्यादा अच्छे खतीब थे जिन्होंने दोनों कबलों बतुलमुक़दस और बैतुल्ला की तरफ नमाज पढ़ी कि कोई मुसलमान इनकी बराबरी कर सकता है जबकि वो तमाम औरतों में से सबसे बेहतरीन औरत हज़रत फ़ातमत ज़हरा रज़ी अल्लाह तह केमन थे और हजूर सल वसम के दो नवासों के वाले थे मेरी आँखों ने इन जैसा कभी नहीं देखा और ना आइंदा क़्यामत तक कभी देख सकेंगे जो इन पर लानत करे इस पर अल्लाह और इसके बंदों की क्यामत तक लानत हो फिर हज़रत माविया रज़ी तह ने फ़रमाया कि आप तलहा और हज़रत ज़ुबैर रज़ील्ला के बारे में क्या फरमाते हैंज़रत इबन अब्बा रज़ी अल्लाह तैन ने फ़रमाया कि अल्लाह इन दोनों पर रहमत नाजिल फ़रमाए अल्लाह की कसम वो दोनों पाक साफ सुथरे मुसलमान शहीद और आलम थे इन दोनों से एक गलती हुई जिसे अल्लाह ताली इन शजह से ज़रूर मुआफ़ फरमा देंगे कि इन दोनों हजरत ने शुरू से दीन की मदद की और इब्तदा से हजूर सल्ला वसम की सहबत में रहे और नेक और उमदा काम किए हज़रत माविया रज़ील् तैन ने फरमाया कि हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह के बारे में क्या फरमाते हैंज़रत इबन अब्बा रज़ी अल्ला त ने फरमाया अजरत अबूलफजल ये हज़रत अब्बास की कुत है पर अहमद नाजिल फ़रमाए वो अल्लाह की कसम हजूर सल्ला वसलम के वारद महारत के सगे भाई और अल्लाह के बरगुज़ीदा इंसान यानी हजूर सल्ला वसलम की आँखों की ठंडक और तमाम लोगों के लिए जायपना और हजूर सल्ला वसम के बच्चों के सरदार थे तमाम उमूर में बड़ी वसीरत रखते थे और हमेशा इंजाम पर नज़र रहती थी इलम से आरास्ता थे इनकी फजीलत के तस्करे के वक्त दूसरों के फजीलते नीच मालूम होती हैं इनके ख़ानदान के काबिल फखर कारनामों के सामने दूसरे ख़ानदानों के कारनामे पीछे रह गए और ऐसा क्यों ना होता जबकि इनकी तरबियत इस अब्दुल मुतलिम ने की जो हर लाल हरकत वाले इंसान में सबसे ज़्यादा बुज़ुर्ग और कुरैश के तमाम प्यादा और सवारों से ज़्यादा काबिल फखर थे ये एक लंबी हदीस का हिस्सा है वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा अल्लाह हाफ़िज़